कोरोना काल में मानवता को शर्मसार करने वाली कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। जब खून के ही रिश्ते साथ छोड़ दे रहे हैं तो बाकी रिश्तों को कौन पूछता है। इस महामारी में लोग अपनी मानवता कहीं भूल चुके हैं। एक ऐसा ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बिहार के पूर्णिया जिले से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक कोविड मरीज को दफनाने के लिए एक जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। लापरवाही का आलम यह है कि जब एक कोविड मरीज जो है 3 दिन तक सड़क किनारे ऐसे ही तड़पता रहा और फिर उसे बाद में अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, दरअसल उसके शव को दफना दिया गया। आपको हम बताएं कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अगर कोई आदमी कोई इंसान की मौत होती है तो उसके शव को दफनाया नहीं बल्कि उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। पर इस कोरोना महामारी में कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो हिंदू रीति रिवाज की दहलीज को लांघती है। पूर्णिया के अमोर रेफरल अस्पताल के नजदीक फुटपाथ पर बेल कच्छी के पंचू यादव बीते 4 दिनों से बीमार लेटा हुआ था, जिसे पूछने वाला कोई नहीं था। लोगों के अनुसार पंचू यादव की उम्र 60 साल थी। अमोर में बीते 3 साल से वो घूम घूम कर खाना खाता था। अस्वस्थ हो जाने के कारण लेटा हुआ देखकर स्थानीय लोगों द्वारा सूचना अस्पताल प्रबंधक को दी गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधक द्वारा कोरोना जांच के लिए 27 मई को उसका कोविड टेस्ट किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अमोर के बेल कच्छी के कोविड सेंटर में उसे भर्ती करवाया गया। 2 दिन के बाद मरीज की 29 मई की सुबह मौत हो गई। अमोर के कोविड केयर सेंटर बेल कच्छी में पंचू यादव ने अपनी आखिरी सांसें ली और इसके बाद शुरू हुआ वो कृत्य जिसके मानवता को शर्मसार कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने उनकी बॉडी को प्लास्टिक में लपेटकर जेसीबी मशीन में डाल दिया। इसे मशीन के आगे के तरफ रखा गया, वो हिस्सा जिससे मिट्टी की खुदाई की जाती है। इसके बाद शव को 2 किलोमीटर दूर पालसा पुल के किनारे गड्ढे में डाल दिया गया और तस्वीर वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कोरोना गाइडलाइंस को दरकिनार कर ये लोग जेसीबी से शव को ढो रहे थे, जिसके बाद हंगामा भड़क पड़ा क्योंकि धर्म व्यवस्था के विरुद्ध हिंदू शव को जलाने की जगह दफनाया गया है। दरअसल कोरोना से होने वाली मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि शव को धार्मिक रीति रिवाज से ही दफनाया जाए ताकि इस खतरनाक वायरस का संक्रमण नहीं फैले। हर धर्म के रीति रिवाज के अनुसार शव का अंतिम संस्कार करने को कहा गया है। सरकार ने कोरोना मृतक के शव को दफनाने की जिम्मेदारी एनजीओ को दे रखी है, जो संक्रमण के फैलाव से रोकने के लिए गाइडलाइंस के तहत काम करती है। सूचना के अनुसार अमोर के कोविड केयर सेंटर में जो एनजीओ काम कर रही है उसके पास 2 एम्बुलेंस मौजूद है, पर बावजूद इसके जेसीबी से शव को ढोना एनजीओ की लापरवाही को बयां करती है और मानवता को शर्मसार करती है। पूर्णिया सिविल सर्जन संतोष कुमार वर्मा ने इस बाबत पूछने पर बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। बेलकच्छी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी उनके अनुसार कहा गया कि शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है, जांच में दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अभी गंगा नदी में शवों के मिलने का दृश्य कोई भूला नहीं था कि फिर से एक ऐसी ही मानवता को तार तार करने वाली घटना सामने आई है। गौरतलब हो कि कई ऐसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक कोविड मरीज की मौत हो जाती है और फिर उसके शव को कचरे के ठेले पर दफनाने के लिए ले जाया जाता है। फिर ऐसा ही मामला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले से निकलकर सामने आया था। इन तमाम तस्वीरों से ये पता चलता है कि ये इंसान कितना बेबस हो चुका है सिस्टम के आगे। ये पता चलता है कि बिहार की जनता को अव्यवस्था के साथ ही जीना है और अव्यवस्था के साथ ही मरना है।